नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यू 24 में। तो आज आप लोग दर्शक न्यू 24 में जानेंगे प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज के नीचे बने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क का इतिहास। जैसा कि मैं आप लोगों को संक्षेप में बता दूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क का इतिहास सन 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है और इस पार्क को लोग मिंटो पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले लेकर चलते हैं आप लोगों को पार्क के अंदर और जानते हैं इस पार्क का पूरा इतिहास, और इस पार्क का पूरा इतिहास आज आप लोगों साथ साझा करते हैं। तो इस पार्क का इतिहास कुछ ऐसा है। मदन मोहन मालवीय पार्क या मिंटो पार्क प्रयागराज में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक जगह है। मिंटो पार्क एक राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ पर आपको हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। आप मिंटो पार्क में घूमने के लिए आ सकते हैं। मिंटो पार्क न्यू यमुना ब्रिज के पास में स्थित है। बताया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नीतियों के अत्यधिक विरोध के कारण भारत में स्वतंत्रता की मांग मुखर हुई, जिसके फलस्वरूप सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। इससे विवश होकर 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत का आधिपत्य पूर्णतया ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंपने की उद्घोषणा की गई। इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित एक खुली जगह में पढ़ा गया था, जिसे पहले मिंटो पार्क और अब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क कहा जाता है। इस घोषणा पत्र पर, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लगभग 50 वर्षों तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा उद्घोषणा में निहित सिद्धांतों की अनदेखी की गई। वर्ष 1910 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में जिस स्थान पर वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ी गई थी, उस स्थान पर स्मृति स्तंभ का निर्माण प्रस्तावित किया गया, जिसका नाम लॉर्ड मिंटो के नाम पर मिंटो पार्क प्रस्तावित किया गया। मिंटो पार्क की आधारशिला लॉर्ड मिंटो द्वारा रखी गई थी तथा भारतीय मैग्ना कार्टा के प्रतीक के रूप में मिंटो पार्क का निर्माण हुआ। पार्क के अंदर ऐसे स्थान पर जहां सैकड़ों राजा एवं भारतवासियों के सक्षम विशाल दरबार में घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उद्घोषणा स्तंभ लगाए जाने का प्रस्ताव नवंबर 1858 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोगों से इस पार्क की उद्घोषणा स्तंभ के निर्माण हेतु सहायता हेतु अपील की। इसके फलस्वरूप विभिन्न राजाओं, महाराजाओं, नवाब एवं भारत के सम्मानित नागरिकों से कुल 1,32,897 रुपये प्राप्त हुए। इसके पार्क के निर्माण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को देखते हुए मिंटो पार्क मेमोरियल कमेटी द्वारा वर्ष 1977 में इसका नाम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क रखा गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क के रख रखाव हेतु वर्ष 2017 में महामना मदन मोहन मालवीय समिति की आधारशिला रखी गई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय हैं। तो ये रहा प्रयागराज स्थित मिंटो पार्क यानी कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क का इतिहास। तो आशा करता हूँ कि ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये खबर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो लेकर आप लोगों के साथ मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली खबर में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।